मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले कुछ विधायक फिर कांग्रेस में लौटना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ज्यादातर लोग स्वार्थ के चलते वहां गए थे, वे रुपयों के लिए भाजपा में शामिल हुए थे। इन नेताओं को पूरे रुपये भी नहीं मिले। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, वे खरीद फरोख्त में नहीं रहते, अगर इसमें विश्वास होता तो उनकी सरकार गिरती ही नहीं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए कुछ सिंधिया गुट के विधायक वापस कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन पीठ में छुरा घोपने वालों के लिए पार्टी में जगह नहीं है। हमें वफादार कार्यकर्ता चाहिए, 100 गद्दारों की जरूरत नहीं है। गोविंद सिंह ने कहा, कांग्रेस छोड़कर जो लोग भाजपा में गए हैं, मैं उन लोगों का नाम नहीं बता सकता, नहीं तो उनका राजनीतिक भविष्य बर्बाद होगा। मीडिया में खबरें आने के बाद उन चारों का मेरे पास कॉल भी आया था। मुझे पिछले हफ्ते 3-4 विधायकों ने कहा कि हमें वापस बुला लो, हमसे गलती हो गई। हमने पूछा तुम्हें कितने पैसे मिले थे, तो वो बोले 18-18 करोड़ रुपए। बाकी रुपए सिंधिया जी ने कहा था दे देंगे, लेकिन अब नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता देश में एकता का काम कर रहे हैं। भाजपा ने भाईचारे में जो विघ्न डाला है, उसे खत्म करने के लिए राहुल गांधी 5,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, कमलनाथ जी ने आदिवासी विधायकों नेताओं के साथ चर्चा की है, अकेले जयस मुद्दा नहीं है, सभी आदिवासी संगठनों के साथ लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। जो कांग्रेस से भागे हैं, कांग्रेस की पीठ में छुरा मारकर, वो लोग भी कई ऐसे हमें मिलते हैं। हमें 3-4 विधायकों ने अभी पिछले सप्ताह भी नाम तो नहीं लेंगे चर्चा की कि साहब हमें वापस बुला लो, हमसे गलती हो गई। एक विधायक जो सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, हमने पूछा तुम्हें कितने मिले थे, कितने पैसे, बोले साहब हमें 18 करोड़ मिले थे, बाकी के सिंधिया जी ने कहा था दे देंगे, अब दे ही नहीं रहे। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरे देश में वातावरण बिगाड़ा है, भाईचारे में विघ्न डाली है, जहर घोलने का काम किया है, उसको समाप्त करने के लिए हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी 5,700 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस, पूरा देश उनकी आवाज़ में मिलाकर बराबर भारत जोड़ने के लिए पदयात्रा कर रहा है। सवाल इस बात का है, कमलनाथ जी ने अपने आदिवासी नेताओं को, विधायकों को बैठ के प्रदेश की आगामी चुनाव के संबंध में चर्चा की। वहीं विधायक खरीद फरोख्त को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मैं खरीद फरोख्त में नहीं रहता, अगर ऐसा करना होता तो मध्य प्रदेश में हमारी सरकार रहती। ये सब सौदेबाजी में मैं कभी नहीं रहता, अगर सौदेबाजी मुझे करनी होती तो आज हमारी सरकार होती। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।